आपका सब हमें भगवान आए तो मानो कि आप जो भक्ति करते हो वो भगवान को मंजूर है। लेकिन सब बहुत प्रकार के आते हैं, स्वप्न कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, वो आज तक किसी को पता नहीं होता है। लेकिन स्वप्न आते हैं तो स्वप्न में भगवान आए उनके लिए बिस्तर में बैठ के सोने के पहले आप भगवान का नाम का स्मरण करो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। भगवान का नाम का स्मरण करते हो तो आपका जीवन मानव मंगलमय हो जाता है। इसके लिए ये मंगलाचरण की कथा व्यास स्मरण करते हैं, शुद्ध भी करते हैं और शुक्रदेव जी भी करते हैं। इस मंगलाचरण की कथा बहुत सुंदर है। पीछे का अध्याय है भगवान का अवतारों की कथा की है। प्रथम स्कंध का तृतीय अध्याय में भगवान का 24 अवतारों की कथा की है। भगवान के एक दो अवतार हुए नहीं, 24 अवतार हुए। सनत कुमार प्रथम अवतार है, वरानारायण द्वितीय है, तृतीय में नारद जी है, चतुर्थ में नर नारायण भगवान है, पंचम में कपिल नारायण भगवान है, षष्ठम में दत्तात्रेय भगवान है। तो ऐसे ऐसे भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत की है। लेकिन भागवत का मुख्य अवतार और मुख्य कथा भगवान श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण जो दशम स्कंध की कथा बहुत सुंदर रीत से व्याख्या और सुखदेव जी महाराज ये परीक्षित कथा सुनाते हैं। अंतिम संकट में भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र है, दान किया गया है। भागवत का एक अक्षर में राधा पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत स्वरूप है और भागवत का स्वरूप ही भगवान माना गया है। लेकिन कविता में कोई प्रेम से उनको जितना कल्याण नहीं है उतना कल्याण शून्य से होता है। पढ़ने में टाइम जाता है, सुनने में टाइम नहीं जाता है। उनका भगवान कितनी साल में प्रसन्न है उतनी आप पढ़ोगे तो आपको तो दो तीन महीना लग जाएगा। पढ़ने में समय लगता है, सुनने में समय नहीं लगता है। इसलिए कथा सवाल मंगल करना है। भगवान नारायण के अनेक अवतार हुए, लोगों को शुभ शांति देने के लिए, भक्तों की भावना को परिपूर्ण करने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। नारद चरित्र की कथा फिर सुनाते भगवान के भक्त नारद बने और नारद जी ने कई लोगों को भगवान के पास ले गए। ध्रुव को नारद जी मिले भगवान के पास ले गए, प्रचेताओं को नारद जी मिले भगवान के पास ले गए। प्रहलाद जी की माता जाकू उनको नारद जी मिले तो प्रहलाद का सुंदर जन्म हुआ और वे भगवान के भक्त बन गए। तो नारद भी बहुत चला नारद जी से भगवान का दर्शन भी कराते हैं और नारद जी कई बार झगड़ा भी कराते हैं। इसलिए होता है नारद जी सारा झगड़ा करा देता है। तो झगड़ा कराने वाला नारद की जरूरत नहीं है, जो भगवान का अवतार करा ले और भगवान का दर्शन करा ले ऐसा नारद की कथा एक पुराण में लिखी गई है। तो भगवान की सुंदर कथा है। आपकी कथा में अब धर्म की कथा आती है। प्रथम सन्ना सप्तम अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक हमें धर्म और धर्म की कथा की गई है। धर्म का पालन कौन करते पांडव करते हैं और अधर्म का पालन कौन करते
सहायता लेने के लिए दुर्योधन वहां पहुंचा है। दुर्योधन वहां पहुंचा भगवान जानते हैं कि आप हमारे पास कुछ मांगने के लिए आ रहा है। तो वाकई में भगवान तो सोने का नाटक करने लगे हैं। भगवान को नाटक करना आता है, सो गए चलते हैं जैसे, लेकिन सो गए दुर्योधन है। भगवान ने वहां पर दो सिंहासन रखा हुआ था। भगवान जानते थे दुर्योधन आएगा, उसके पीछे सहायता लेने के लिए अर्जुन भी आएगा। और तो दुर्योधन पहले आया है। दुर्योधन ने देखा है द्वारका नाथ तो सो रहे हैं, दो सिंहासन यहां पर है, एक माथा पे रखा हुआ है, एक पैर के पास रखा हुआ है। तो श्री कृष्ण के चरण के पास कौन बैठेगा? आप राजा है, हम माथा के पास जाके बैठेगा। तो माथा के पास जाके सिंहासन का उसमें दुर्योधन बैठे। फिर अर्जुन आया, अर्जुन ने देखा कि भगवान के चरण के पास सुंदर सिंहासन है, भगवान भी सो रहे, तो जगह का उचित नहीं है। तो अर्जुन वहां रहते चरण के पास। अब भगवान ने सोचा गुणवान है तो धीरे से आंख खोला है, धीरे से आंख खोला, धीरे से आंख खोला है, देखते हैं तो ये अर्जुन है। जैसे आंख खोलने तो क्या सामने जो होता है वही दिखता है। इसके लिए जब आप बिस्तर से उठते हो तो सामने भगवान का चित्र रखा करो। जब जगते हो तो भगवान का स्वरूप का दर्शन होता है। द्वारका भगवान आप खुद देखा है वो अर्जुन ने। आज पूछा है अर्जुन तुम कैसे हो, कब आए? दुर्योधन ने पीछे से कहा वो पहले नहीं आ पहले तो हम आए हैं, हम पहुंचे, हमारे बाद फिर अपना नसीब हुआ है। पूछा है और आप भी आ गए, बहुत अच्छा, आप दोनों आ गए, आप जब क्या सेवा कर रहे, आप जो मांगो वो हम दे रहा है। दुर्योधन ने कहा पहले हम आ गए, हम पहले आ गए, हम पहले। भगवान ने कहा कि देखो मांगना है तो मांगो, आप जो लोग भूज करने वाले हो मांग कर भी भूज वाला है। तो एक साड़ी में हम हमारी पूरी सेवा देंगे, यात्रों की सेवा देंगे, और एक साड़ी में हम अति आ गए, हमारे हाथे को अस्त्र शस्त्र भी रहेगा, हमें हम अके हो गए, क्या जरूरत है? दुर्योधन ने सोचा कि अकेला के हमारा कल्याण क्या नहीं है, इसकी जरूरत है। यादव की सेना मिल जाएगी, नवस्कर मिल जाएगा, सैन्य मिल जाएगा, फिर उन्हें काम मिलेगा। तो इसीलिए दुर्योधन ने कहा कि महाराज आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो आपकी सेना की जरूरत है। भगवान ने मन में कहा तुम्हारा सत्यानाश जल्दी तुम्हारे सत्यानाश है, तुमने हमको बताया, लेकिन अधर्म कभी भगवान को मान नहीं सकता। धर्म भगवान को मानता है और धर्म भगवान के साथ ही रहता है। भगवान अर्जुन के साथ सिवक है, गीता ज्ञान सुना है, धर्म की कथा है। धर्म की कथा में धर्म की माता भूमिका है, धर्म की मां सभी कर सकते हैं। जिसकी पर भगवान की कृपा होती है उनके घर में नारायण सब पुत्र का जन्म होता है, जो माता पिता को नरक से बाहर निकालता है। इस सब पुत्र सभी को नहीं मिलता, सभी मानते हैं कि हमारे घर में श्रवण दिशा देना हो हमें कावन लेके जाता है, लेकिन जाता क्या हमें खाने के लिए जाते हैं। सभी को इच्छा होती है कि हमें लाइक देना चाहिए,
लेकिन कई कई बार बेटा दुश्मन के रूप में भी आता है, शत्रु के रूप में आता है, कई कई बार कर्ज कराने वाला ही आता है, कई कई बार दुख देने के लिए आता है, कोई पवित्र पुण्यशाली माता पिता के वहां और संत पुरुष का जन्म होता है, संत पुरुष का जन्म होता है। कुलता भगवती माता है, कुलता की कथा बातों का प्रथम शिखर धर्म की होती है, कुलता भगवान के पास मान होती है, मानना के साथ कुलता की उठाती है। लोग मंदिर में जाते तो नौकरी मांगते, स्त्री मांगते, पैसा मांगते, नौकरी लग जाए ऐसा नंबर मांगते है, और नौकरी लगा तो आशा को भी देखेंगे भगवान का आशा के लिए बुद्धिया लेके बैठा होगी, आशा के लिए जरूर होगी। लोग बहुत कुछ भगवान के पास मांगते हैं और न मिले तो भगवान को दानी से लेते हैं, कि भगवान हमारे पीछे पड़े भी हमको इसे देते हैं, लेकिन कुल कर्म भगवान के पास दुख ही मांगा है, दुख मांगा है। भगवान द्वारकानाथ के पास कुंता वरदान मांगती है, रास्ता के बीच में खड़ी हुई थी, विचार किया कि काम करे भगवान के पास कुछ मांग लेंगे। द्वारकानाथ भगवान धर्मराजा से मिला लेकिन द्वारका जा रहे थे और कुंता भी बीच में खड़ी हुई है, अकेली है। द्वारका भगवान ने पूछा तू अकेले क्यों खड़े हो, यहां पे क्यों खड़े हो? कुंता जी ने कहा हमें कुछ मांग रहा है महाराज, आपके पास हमारी इच्छा है वह मांगने के लिए यहां खड़े हुए हैं। द्वारका ने कहा तो मैंने मांग लेना है जरूरत है, और सूरत की मात्र सूर्य
भाई बन जाता है जो आता है। बार दुखी को देखे दुख अपना समझ लेते हैं और कहते हम लोग इसे भी होते हैं दूसरे को दुख देकर विचार करते हैं और बहुत दुखी है इनसे तो हम कम दुखी है तब हम उत्तम हो गया था। एक बार मंदिर है दर्शन करने के लिए अभी क्या था मंदिर में बहुत भीड़ लगती है बहुत भीड़ उसे भी लगती है आप अंदर को उठाना भगवान के दर्शन करने जाते हो तो वहां सुबह से जाओ तो दूसरे भी भगवान के पास जा सकते हो इतनी भीड़ लगती है इतना भगवान का दर्शन करने के लिए। फिर कभी कभी कुछ पंडित को देख तो पीछे दरवाजे से दर्शन करवा के लोग आते हैं वो इसी काम करते हैं जो लाइन में खड़े रहते अभी गोले लगा गया था कितने लोग वहां पे आए मिलियन लोग हजारों लोग वहां स्नान करने के लिए आए कहते लोग पैसा देने के स्नान तो कर गए लेकिन कहीं लोग ऐसे भी थे और दो तीन दिन और सड़क के ऊपर सो रहे थे हमारा काम करना पड़ता है अब विचार करो पैसा वालों के पास प्रोग्राम जाएगा कि वो भक्त के पास प्रोग्राम जाएगा कहीं के बारे में होता है मंदिरों में बहुत भीड़ लगती है आप भाई मंदिर में दर्शन करने के लिए आया दर्शन करने के लिए तो आया है दर्शन करता है लेकिन यहां इसका को जूता गुलाते ले जाएगा जूता गुलाते अरे समाज को बोलने लगा तो आप मंदिर में कभी आएंगे कि मंदिर में झूठा झूठी होता है आप क्या ध्यान रखते हैं भगवान दर्शन करने के लिए आए थे कि झूठा की चोटी करने के लिए अरे जी कहा कि हम मंदिर नहीं आए दुखी बन गया मंदिर से बाहर निकला भगवान को बहुत सारा कुछ सुनाया बहाना होता है छोटे मुद्रे आए देखता है कि एक भिखारी भी मार रहा है उसका दोनों पैर कटा हुआ है दोनों पैर कटा हुआ है तो भाई ने सोचा कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया कि हमारा पैर कटा नहीं केवल भिखा कटा दुखी बनते हो तो दूसरे को सुख देख के अपने पास दुख हो जाता है और कहते बात दूसरों के दुख को देख के भी कहते बात अपना दुख कम है ऐसा अनुभव होता है प्रतीति होता है तो दुख कम हो जाता है ना पंडल आप हमारा भजन करो तो आपका कल्याण
बहुत स्वीकृति रखा।